हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई विद कौर। सो आज का ये ब्लॉग है अबाउट माय गुवाहाटी लेओवर एंड हम सब अभी गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे हैं। जैसे ही कैब आएगी हमें पिक करने, हम उस पर बैठ जाएंगे। एंड लुक, कैब आ गई है, हम कैब में बैठ गए हैं। एंड यू कैन सी द वेदर आउटसाइड, इट्स रेनिंग। एंड सच बताऊँ, ऐसे मौसम में ऐसा मन करता है कि गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए, वो भी चाय के साथ। क्योंकि गुवाहाटी में जो वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बिकॉज़ यहाँ पे बारिश हो रही थी। एंड उसके बाद हम पहुँच गए हैं अपने होटल में। ये है गुवाहाटी का होटल, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। एंड कुछ लोग यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स भी ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होटल है। एंड हमने फिर जल्दी से चेक इन किया एंड हम ये सब पिक्चर्स देख रहे थे। मुझे एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा शो पीस भी दिखा एंड मेरा मन किया कि ऐसे ही शो पीस मैं अपने घर पे भी लेकर जाऊँ। एंड उसके बाद जैसे ही हम लिफ्ट में आए, उसके बाद हमें ये पता चला कि हमारा जो रूम है वो है थर्ड फ्लोर पे। तो ये है थर्ड फ्लोर का कॉरिडोर एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टू आवर रूम। एंड ये रहा हमारा रूम, जल्दी से इसे खोलते हैं और जाते हैं अंदर। जैसे ही मैं रूम के अंदर आई, हम बहुत ज़्यादा ही थक चुके थे, तो हमने सोचा पहले हम जल्दी से फ्रेशन अप होते हैं एंड उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चलते हैं डिनर के लिए। जैसे ही मैं रूम में आती हूँ, मैं सबसे पहला काम अपना ये करती हूँ कि सबसे पहले मैं हील्स को चेंज करके रूम स्लीपर पहन लेती हूँ, क्योंकि हील्स से मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है अपने पैरों पे। एंड उसके बाद मैं अपने बैग्स को सही जगह पे रख के अपने कपड़े बाहर निकालती हूँ एंड फिर मैं जल्दी से फ्रेशन अप हो जाती हूँ। एंड उसके बाद मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट। एंड जैसे ही मेरी रेस्ट पूरी हो गई है, जैसा आप देख सकते हैं, फिर हम गए अपना डिनर करने के लिए हम सब मिलके। जैसे ही हमने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया, हम निकल गए नाइट वॉक के लिए एंड हमने साथ में बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत सारी हमने डिस्कशन की, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ बारिश हुई थी, तो यहाँ का वेदर भी बहुत ही ज़्यादा कूल एंड प्लीजेंट था। एंड होटल के बाहर एक क्यूट सा गार्डन था, जहाँ बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स ग्रो हो रहे थे एंड हमने वो सब भी देखा। एंड ये हमारा होटल है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड हम सभी वही डिस्कशन कर रहे थे कि इस होटल में बहुत सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड की गई है हमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होटल है। एंड उसके बाद जैसे ही हमारी डिस्कशन, हमारी वॉक कंप्लीट हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि चलो अब चलते हैं, जाके सो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें मॉर्निंग में निकलना अपनी ड्यूटी के लिए। एंड जैसे ही मैं रूम में आई, तो हम इन स्विच को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आइकन्स बने हुए थे एंड हमें पता नहीं चल रहा था कि हम अपने पूरे रूम की लाइट कैसे ऑफ़ करें। तो मैं यहाँ पे प्रेस करे जा रही हूँ, लाइट ऑफ़ नहीं हो रही है, ऑफ़ हो ही नहीं रही है। एंड बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद फिर से मैंने सोचा कि एक बार इस बटन को प्रेस करूँ एंड लुक, अब लाइट ऑफ हो गई, जबकि मैं इस बटन को बहुत बार पहले प्रेस कर रही थी। एंड हमें बहुत ज़्यादा हंसी आई, उसके बाद पता चल गया किसे प्रेस करना है, प्रेस कर लिया, कर दी अपनी लाइट ऑफ एंड अब हम जाते हैं सोने, गुड नाइट। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी टाइम हो रहा है 7:00 एंड एट अराउंड 10:00 आई हैव टू चेक आउट। सो अभी मैं उठ जाती हूँ एंड उसके बाद मैं सबसे पहले जाऊंगी कर्टन्स को खोलने एंड बाहर का मैं व्यू देखूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारी हिल्स देखने को मिलती हैं विंडो से। सो मैं आपको भी ये व्यू दिखाती हूँ कि ये व्यू कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पूरी ग्रीनरी है बाहर, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि जो गुवाहाटी है वो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है एंड यहाँ पर बहुत सारी हिल्स होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल फॉरेस्ट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सो आप उस साइड देख ही सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये जो छोटे छोटे जो आपको हिल्स दिख रहे हैं, यही है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड उसके बाद जल्दी से मैं फ्रेश होके मैंने यूनिफॉर्म पहन ली एंड उसके बाद मैं कर रही हूँ अपना मेकअप। सो मेकअप में मैं वही यूज़ कर रही हूँ, अपना फाउंडेशन, कंसीलर, फेस पाउडर। सो जो मेकअप लुक हम यूज़ करते हैं वो हमारा कंपनी का रिकमेंडेड लुक होता है, तो हर एक कंपनी के अलग अलग
रिकमेंडेड लुक्स होते हैं, तो हम भी अपने कंपनी का जो लुक हमें प्रोवाइड किया हम वो करते हैं। एंड जैसे ही हम रेडी हो गए, मैंने अपना बैग पैक कर लिया। पैक करने के बाद मैं अपने बैग्स को एक जगह रख दूँगी एंड उसके बाद वी आर गुड टू गो। सो चलो दोस्तों, चलते हैं नीचे। एंड आप सब यही सोच रहे होगे कि मैंने कुछ खाया तो है नहीं सुबह सुबह, तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे उतनी सुबह भूख नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं जाने के टाइम नीचे जाके अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लूँगी। सो ये है लिफ्ट, एंड जल्दी से लिफ्ट का ये बटन प्रेस करके हम चलते हैं नीचे, क्योंकि मुझे अभी भूख लगी है, तो नीचे जाके मैं जल्दी से खा लेती हूँ। सो जैसे कि हम नीचे आ गए ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहाँ पे एक बुफे सिस्टम रहता है, तो ब्रेकफास्ट बुफे सिस्टम भी था, तो हम सब फ्रेंड्स साथ में बैठे एंड हम सब अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मैं अपने ब्रेकफास्ट में बहुत ही ज़्यादा लाइट खाना खाती हूँ, एंड उसके बाद जैसे मैं ब्रेकफास्ट कम्प्लीट हो गया, हम जा रहे कैब में बैठने, अपने सारे बैग्स हम दे दे रहे हैं यहाँ, एंड उसके बाद हम पहुँच गए गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे। एंड मेरा ब्लॉग दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगा देन लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।